हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम आपको स्टार्ट करवाने जा रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल इन मैथमेटिकल मेथड्स। डेफिनाइट इंटीग्रल्स, डेफिनाइट इंटीग्रल्स एक्चुअली में क्या होता है, इसमें हमारे पास लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। जैसे हमने इनडेफिनाइट में निकाला, इनडेफिनाइट में हमारे पास क्या था, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, सी लगा था। इसमें हमें हमारे पास कुछ लिमिट गिवन दी होगी, उनको हमने इंप्लीमेंट करना है और वहाँ पर उनके आंसर्स निकालने हैं। जैसे हमारे पास देखिए इंटीग्रल में होता क्या है, हमारे पास ऐसे इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन होता है, फंक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे ए और बी, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट, ठीक है। एक आपके पास लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, जैसे भी आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो दैट शुड बी इक्वल टू 5f(x), तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पे आ जाएगी टर्म रियल लेना, 5f(x) इज द इंटीग्रल ऑफ f(x). जो 5f(x) है वो इंटीग्रेशन है f(x) की, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जब दिया तो आपने करना क्या है, अपर लिमिट पहले करनी है, 5b - 5a। तो ये आपका आंसर रहेगा, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल का। इसमें हमें क्या करना है, लोअर लिमिट गिवन होती है, अपर लिमिट गिवन होती है, फंक्शन होता है हमारे पास। ये हमेशा यहाँ पर देखिए, ये इंटीग्रेट होकर कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, वहाँ पर आप लोगों ने फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो बी को पहले पुट किया, फिर माइनस, साइन माइनस का आएगा, फिर लोअर लिमिट को पुट करना है। इसके ऊपर एप्लीकेशन देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आया था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आया था जी 1 से 2, ठीक है। तो यह आता है लेट इट बी x dx। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर टॉर्क क्या है, 1 है। यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे 1+1 ऊपर, 1+1 नीचे, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आ गया x2/2, 1 से 2, यहाँ से आ गया 1/2, x2, 1 से 2, 1/2, 2 का लिमिट स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इस 2 को इस x की तरफ पुट किया, ठीक है, फिर हमने इस 1 को x की तरफ पुट किया, तो यहाँ पे आएगा आपको 1/2, 4 - 1, ये आएगा 3/2। तो ये आपका होगा आंसर, ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, देखिए इसका कुछ करेंगे एप्लीकेशंस। जैसे क्वेश्चन आया था, मान लीजिए क्वेश्चन आया था आपको, क्वेश्चन का सेकंड आज का, 0 से π sin(x)(dx), आप इसको इंटीग्रेट करें, आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, और अपर लिमिट हमारे पास पाई है। तो अब हमें पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos क्यों होता है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिला, यहाँ पर मिली वैल्यू आपको, माइनस बाहर रखो, अपर लिमिट पुट करो पहले, cos ऑफ पाई x की जगह लिमिट पुट होगी इस x की, फिर -cos(0), ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है, cos अगर ऑड पाई हमेशा याद रखना, -1 होता है, कहने का मतलब cos π, cos 3π, cos 5π, ठीक है, सो ऑन इज इक्वल टू -1, ठीक है। और अगर cos ऑड पाई इवन पाई आता है, इवन पाई आया था, तो आंसर +1, कहने का मतलब दैट इज आप कह सकते हो कि cos n पाई जो होता है इज इक्वल टू +-1 होता है, वेयर n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, सो ऑन, ठीक। तो ये आपने हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास cos पाई है, तो cos पाई कितना होगा, -1, cos 0 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस को ये लगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि क्यों cos 0 1 क्यों होता है, क्योंकि 0 1 हमारा इवन नंबर है, 0 क्या है, 0 इज एन इवन नंबर।
जीरो हमारा एक इवन नंबर है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये टू आपका देख लीजिए एक डेफिनाइट आंसर मिल चुका है। जो हमारे पास इंटीग्रेशन थी उसका हमारे पास एक डेफिनाइट आंसर मिल चुका है, दैट्स गिवन बाय, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था लेटर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर क्वेश्चन होता है माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेटर बी इस तरह का क्वेश्चन आया था आपके पास। आपने इसको भी वही मेथड सेम इंप्लीमेंट करना है, तो ये आ जाएगा एक्स टू प्लस वन, टू प्लस वन माइनस वन, एक्स थ्री बाई थ्री माइनस वन से वन, वन बाई थ्री, वन की पावर थ्री माइनस माइनस वन की पावर थ्री, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, आप लोगों को पता है इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को लगेगा फॉर्मूला वही एक्स एन डी एक्स आया था, तो एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है। तो प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे थ्री थ्री माइनस वन वन, अपर लिमिट पुट करेंगे, वन का थ्री बाहर आ गया, पहले अपर पुट करेंगे एक्स के, वन पुट करेंगे वन का क्यूब माइनस माइनस वन का, तो वन बाई थ्री आएगा वन माइनस, ये माइनस वन आएगा तो ये आएगा प्लस वन, तो आएगा टू बाई थ्री आपका आंसर। तो ये था हमारा आज का डेफिनेट इंटरवल पे एप्लीकेशन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट, देखिए करना बिल्कुल वही है जैसे हमने आपको सिखाया है, वैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ लास्ट में हमें सिर्फ लिमिट्स को इंप्लीमेंट करना है, लिमिट्स को पुट करना है, अपर और लोअर लिमिट को पुट करना है, और हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा ऐसा, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या आएगा, जीरो से वन आया, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग कर लीजिए प्लस जीरो से वन, ठीक, यहाँ पे एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने करना है जीरो से वन, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, सॉरी पहले इंटीग्रेट करिए, टू प्लस वन, टू प्लस वन जीरो से वन प्लस वन, तो टू बाई टू जीरो से वन, तो एक्स थ्री बाई थ्री जीरो से वन प्लस एक्स टू बाई टू है हमारा, एक्स टू बाई टू है, टू कैसे आ गया, कैसे हमने यहाँ पे वन प्लस वन किया है, तभी नीचे भी हमने वन प्लस वन किया है, डायरेक्टली ना डायरेक्टली लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीरो से आ गया वन। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, वन बाई थ्री, पहले हम करेंगे अपर लिमिट, वन का क्यूब माइनस जीरो का क्यूब, बात खत्म, पहले आएंगे यहाँ पे वन बाई टू कॉमन लेंगे, वन का स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर कर लीजिए, वन बाई थ्री वन माइनस जीरो, वन बाई टू वन माइनस जीरो, पहला वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू, पहला टू प्लस थ्री बाई सिक्स, तो फाइव बाई सिक्स आपका क्या है आंसर। तो हमने इसको किस तरह से, हमने किस तरीके से क्वेश्चन को किया चेक कर लीजिए, हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था जीरो से वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, जीरो से वन एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, एक्स को अलग कर लिया, ठीक। अब आपने क्या करना है, प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे इंटीग्रेशन, प्लस आपको पता है फॉर्मूला मैं बार बार देख रहा हूँ, फॉर्मूला आपने लर्न रखना है, ये बार बार ना बताया जाए, यह आएगा एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस ये लिखता है लगता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, प्लस टू प्लस वन यहाँ पे किया, टू प्लस वन नीचे किया, वन प्लस वन पावर वन थी, वन प्लस वन ऊपर, वन प्लस वन नीचे, तो यह आ गया एक्स थ्री बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू। फिर हमने क्या किया, वन बाई थ्री को कॉमन लिया, बाहर ले लिया, अपर लिमिट पुट की, एक्स ए वन आया फिर माइनस ए, फिर हमने यहाँ पे वन बाई टू को बाहर लिखा, अपर लिमिट माइनस वन लिमिट किया, तो वन बाई थ्री वन माइनस जीरो प्लस वन बाई टू वन, तो हमने लिखा वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू, तो कितना बाई टू प्लस थ्री बाई सिक्स, तो फाइव बाई सिक्स आपका क्या है आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। अब मैं कुछ एप्लीकेशन देने लगा हूँ, एक तो उसको जरा देख लीजिए, अब मैं ट्राई करना है इसके ऊपर निकालिएगा।
थ्री, ये आता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो इसमें आपको बिल्कुल मैथड वही लगाना है जो मैंने आपको बताया है, मैंने जो वही मैथड बताया है वही लगाना है। इसको अलग कर लेना है, इसको अलग कर लेना है, इसको अलग करना है, एलिमेंट्स सब में लगेंगी, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। तो आज का ये हमारा, थैंक यू वेरी मच।